तुम साइंस वाइंस पढ़े, कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए। साथ में रहो, चिढ़ते क्यों? तुम मारो पटक के पहले। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए। तापमान क्या नियम है टेम्परेचर का? तुम साइंस वाइंस पढ़े, कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। ठंडक में स्वेटर पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का जीरो, तो बाहर निकलोगे वो तुम्हारे सारे तापमान को खींच लेगा, मर जाओगे। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है, हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़े हैं, डेली तुम मारो पटक के पहले, वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार। ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा, और जब हाई तापमान के लोगों के साथ रहोगे तो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है। साथ में रहो, चिढ़ते क्यों? दोस्ती करो तापमान के नियम पर आधारित। और दोस्त दुनिया में दो होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार है। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना। यहां फ्रेंड है और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है। दोस्ती का मतलब जहां दिमाग ना हो, तो नर्सरी से टेंथ तक कर जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। एक बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, और मित्रता का जो पैमाना है, जो श्रेष्ठ मित्रों की श्रेणी में लोग आते हैं, जैसे कर्ण आते हैं, मित्रता के एक श्रेष्ठ पायदान पर हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन कर्ण जो है मित्रता के सारे पायदानों को क्रॉस करता है। उसे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ रहा।